नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हेमंत कोदिया और आप देख रहे हैं सी न्यूज़। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। जी हां, बैतूल में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज यहां पर दिव्य धर्म यज्ञ पर आदरणीय संत गरीबदास महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ विशाल भंडारा किया जा रहा है। 26, 27, 28 नवम्बर को 3 दिन से ये भंडारा यहाँ पर चल रहा है। आज इस दिव्य धर्म यज्ञ भंडारे का अंतिम दिन है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब उमड़ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अनुयायी जन इस भंडारे में पहुँच रहे हैं। दर्शकों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम आश्रम के अंदर प्रवेश हमने कर लिया है और आश्रम के अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और पीने के लिए गर्म पानी की भी यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इन व्यवस्थाओं को जमाया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अभी आश्रम के गेट पे मौजूद है। यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायियों की ड्यूटी लगा रखी है जो कि सेवा कर रहे हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे कि वो किस प्रकार की यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? विक्रम दास। सर, ये जो आपने पतीला यहाँ पर भर रखा है लड्डू का, पूड़ी का, है ना, खाने का, भोजन का, तो सर किस प्रकार से आप किन लोगों को ये दे रहे हैं? भगत जी, जो भगत जन घर जा रहे हैं उनके लिए ये प्रसाद घर के लिए व्यवस्था है। अच्छा, अंदर और व्यवस्था के लिए भी, रस्ते के लिए व्यवस्था है इसमें। अंदर आश्रम में और व्यवस्था है खाने की? आश्रम में भगत जी जो भंडारा चल रहा है, जो जाने वाले वो भंडारा कर रहे हैं दोनों तीनों टाइम। मतलब घर जाने के लिए भी, रास्ते में खाने के लिए भी? रास्ते में, हाँ, रास्ते में जाने के लिए व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है दर्शकों, अब हम आश्रम की ओर, अंदर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आश्रम को सजाया गया है। तो दर्शकों, हम आ गए हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के उन अनुयायी से हम आपकी बात करवाएंगे जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर धर्मेंद्र दास। सर, यहाँ पे जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में, तादाद में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जन सैलाब उमड़ रहा है इस भंडारे में। सर, यहाँ जूते और चप्पल की जो हमने देखा है कि एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है जूता घर का, तो क्या सभी के जूते और चप्पल यहाँ पे किस तरीके से आप व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे जमा रहे हो? सर, थोड़ी सी हमें जानकारी दी। जी बिल्कुल, हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से इस जूता घर में हम भक्तों को एक टोकन देते हैं, ताकि भक्तों के जो जूते होते हैं वो कहीं इधर उधर ना जाएं, उनको जब भी जाना हो टोकन दिखा के अपने जूते प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जूता घर बना है जिसमें 15,000 तक की रेंज तक मतलब जूतों को रखा जा सकता है। यहाँ पे हर एक पुण्य आत्मा को टोकन मिलता है, उसके जूते अलग से रखे जाते हैं, उसके उसको टोकन में नंबर दिए जाते हैं, उस आधार से सभी जूतों का मेंटेनेंस यहाँ पे रखा जाता है। हर किसी का मतलब कोई भी, हर कोई जूता मिल जाता है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं आती? जी भगत जी, अगर टोकन उनके पास है तो जूता अवश्य मिलेगा भगत जी, क्योंकि यहाँ पे जितनी बड़ी संख्या में सीरियल बना रखी उसमें टोकन ही महत्वपूर्ण है। टोकन अगर वो भगत आत्मा दिखाती है तो उसको जूता सुरक्षित उनको वही नंबर पर मिलेगा भगत जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम संत रामपाल जी महाराज जी के लगातार हम व्यवस्थाओं को आपको बताते हुए आ रहे हैं। जूते घर की आपको व्यवस्था बता दी, उसके ठीक बाद यहाँ पर किताब घर की जो व्यवस्था है, काफ़ी सारी बुक्स संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे सारी एक जगह इकट्ठी की हुई है। हम यहाँ पे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इस व्यवस्था को संत जी के अनुयायी देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है सर आपका? रीवा लाल दास। सर, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे मौजूद हैं, बैनर पोस्टर संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद हैं, किस तरीके से आप यहाँ की सेवा देख रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार ही हम यहाँ पर सेवा देख रहे हैं। यहाँ पर आने जाने वाले हर एक श्रद्धालु को पुस्तक दे रहे हैं, जो भी मतलब पुस्तक है वो कुछ शुल्क वाली भी है और कुछ निःशुल्क भी है, तो दोनों पुस्तकों का यहाँ पर प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ये मतलब एक मान के चले तो ये ज्ञान गंगा जो पुस्तक यहाँ पे, कितना मूल्य सर इसका? देखिए, वैसे तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक का लागत मूल्य जो है 98 रुपये है, लेकिन सेवा भाव से मात्र इसको 20 रुपये में दिया जा रहा है। और यहाँ मतलब इसकी कीमत तो बहुत ही अनमोल है, लेकिन गुरुजी के ज्ञान अनुसार इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए 20 रुपये में दी जा रही है।
किताब घर के ठीक बगल में यहाँ पे निशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था है। आप बोर्ड देख सकते हैं, निशुल्क नाम दान स्थल यहाँ पे लिखा हुआ है। हम अंदर उन सेवादारों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पे मौजूद है नाम दीक्षा केंद्र में। यहाँ पे किस प्रकार से सेवाएं चल रही है, कितना पैसा यहाँ पे लोगों से लिया जा रहा है जुड़ने के लिए, हम सारी जानकारी आपसे लेंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ सीधे से। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? गणेश दास। सर कितने दिन से आप यहाँ मौजूद है पहले तो ये बता दीजिए। यहाँ से सर हम 25 तारीख से आ गए थे, कंटिन्यू नामदान यहाँ पे चल रहा है। सर हमने देखा बाहर बोर्ड लगा हुआ है निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र, मतलब कोई चार्ज नहीं लिया जाता? जी यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क नामदान दिया जाता है, गुरु जी के आदेश से एक रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है यहाँ पे। लगभग सैकड़ों की कितनी संख्या में यहाँ पे जुड़ चुका है अभी? यहाँ पे लगभग इस भंडार में 400-500 से अधिक संख्या में जुड़ चुके हैं। वो कंटिन्यू नामदान चल रहे हैं यहाँ पे, रोज लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे और कंटिन्यू नाम दीक्षा चल रही है यहाँ। कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क सेवा चलती है। अच्छा आप कितना सैलरी लेते हो यहाँ? यहाँ पे हमारी निःशुल्क सेवा है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं रहती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी जन हैं, जो घर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें संत कबीर साहेब जी ने 600 साल पहले जो भी यहाँ पे लीलाएँ की हैं वो सारा यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। पोस्टर सारे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी संत कबीरदास जी ने जो लीलाएं की हैं 600 साल पहले वो सारा कुछ यहाँ पे प्रदर्शनी में सारे बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायीजन यहाँ पे आ रहे हैं, वो सारे के सारे सभी अनुयायीजन यहाँ पे प्रदर्शनी को देख रहे हैं। यहाँ का मनमोहक नज़ारा जो दिख रहा है उसको देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारा प्राप्त करने के लिए कुछ थालियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं, जो अनुयायीजन यहाँ से थाली लेकर के आगे की ओर जाते हैं जहाँ पर उनको भंडारा प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कतार बाय कतार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायीजन यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से थालियाँ, कटोरियाँ, चम्मच और सभी प्रकार के जो बर्तन वो यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। दर्शकों हम मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के उस स्थल पर जो काफ़ी पवित्र जो स्थल है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसे प्रणाम स्थल कहते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे संत जी के अनुयायी प्रणाम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आपको संत जी के अनुयायी इस महाविशाल शेड के नीचे आप जी को दिख रहे हैं। काफ़ी संख्या में, लाखों भी शायद कम पड़ जाए, इतनी तादाद में संत जी के अनुयायी यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रहे हैं। देवी धर्म यज्ञ भंडारे का आज अंतिम दिन है, लास्ट दिन है, फिर भी आप देख सकते हैं कि लास्ट दिन में कितनी तादाद में यहाँ पे भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं के लिए अलग से प्रणाम स्थल है और जो जैन हैं, भक्त हैं, उनके लिए अलग से प्रणाम स्थल है। हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मंच पर। जी हाँ, यहाँ पर प्रणाम स्थल संत रामपाल जी महाराज जी का बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस स्टेज को, इस मंच को सजाया हुआ है और काफ़ी लाखों की तादाद में अनुयायीजन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद हैं। उस तरफ महिलाएँ हैं, इस तरफ जेंट्स हैं, भक्त हैं, जिन्हें ये भक्त और भक्तमतिया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में आज अंतिम दिन चल रहा है भंडारे का, फिर भी यहाँ पे इतनी भीड़ उमड़ रही है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से।